नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। इस कोरोना और लॉकडाउन के दौर में भारत समेत सारी दुनिया में ऑटोमोबाइल मार्केट क्रैश कर चुके हैं। भारत की जहां तक बात है, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था और अगले ही दिन से 31 मार्च तक लॉकडाउन होने की खबरें आनी शुरू हो गई थी। मार्च के आखिरी हफ्ते में लॉकडाउन शुरू होने की वजह से मार्च के पहले 3 हफ्तों में भारतीय मार्केट में काफ़ी सारी गाड़ियां ठीक ठाक बिकी हैं, लेकिन जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल तक पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है और संभावना जताई जा रही है कि इसे 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ाया जा सकता है, तो हमें उम्मीद है कि अप्रैल महीने में आपको आसमान से लेकर खाक में मिली हुई सेल्स की फिगर्स देखने को मिल सकती हैं। उन्हें देखकर चौंकिएगा मत, क्योंकि ये बटोबिस एक्सपेक्टेड है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च के महीने में सबसे कम यानी कि लीस्ट बिकने वाली गाड़ियों के बारे में। इन 10 गाड़ियों में कुछ गाड़ियों का अपने सेगमेंट में काफ़ी ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है, वहीं एक गाड़ी ऐसी है जो पिछले महीने टॉप 10 सेलिंग की लिस्ट में शामिल रही है। तो चलिए जानते हैं भारत की टॉप 10 लीस्ट सेलिंग कार्स के बारे में आज की इस वीडियो में। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आने वाली गाड़ी है स्कोडा की कोडियाक। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी केवल 59 यूनिट्स ही बिकी हैं। हालांकि इस सेगमेंट की सेल्स उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी इतनी कम भी नहीं होती। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 35,36,600 रुपये से शुरू होकर 36,78,600 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 9वें पायदान पर आने वाली गाड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। इस गाड़ी को यहाँ देखकर पर्सनली मुझे बहुत शौक लगा है, क्योंकि फरवरी के महीने में ये गाड़ी टॉप 10 हाईएस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में 9वें नंबर पर थी और हमेशा इस लिस्ट में शामिल रही है, लेकिन आज सीधा सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में आ चुकी है। मार्च के महीने में स्कॉर्पियो की केवल 40 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं फरवरी के महीने में इसकी 1,505 यूनिट्स बिकी थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 12,46,000 रुपये से शुरू होकर 16,92,000 रुपये तक मिल जाती है। जनाब, इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर शामिल होने वाली गाड़ी है महिंद्रा की KUV100। मार्च के महीने में इसकी पूरे भारत में केवल 31 यूनिट्स ही बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में इसकी कुल मिलाकर 108 यूनिट्स बिकी थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 4,88,000 रुपये से शुरू होकर 7,95,000 रुपये तक मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आने वाली गाड़ी कौन सी है। इस लिस्ट में 7वें पायदान पर जो गाड़ी आती है वो है ह्युंडई की एलेंट्रा। मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी केवल 28 यूनिट्स ही बिकी हैं, फरवरी के महीने में इसकी कुल मिलाकर 46 यूनिट्स बिकी थी। फेसलिफ्ट के बावजूद भी ये गाड़ी कंज्यूमर्स को अपनी तरफ खींचने में पूरी तरह से नाकाम रही है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 15,89,000 रुपये से शुरू होकर 20,39,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 6ठे पायदान पर आने वाली गाड़ी है दोस्तों महिंद्रा की मराज़ो।
मार्च के महीने में पूरे भारत में इसकी केवल 23 यूनिट्स ही बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 10 लाख रुपए से शुरू होकर 14,77,000 रुपए तक मिल जाती है। इस लिस्ट में अगली गाड़ी जो कि पूरे भारत में पांचवें पायदान पर आई है वो गाड़ी है फोक्सवैगन की वेंटो। मार्च के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 19 यूनिट्स ही बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में इसकी 143 यूनिट्स बिकी थी। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8,77,000 रुपये से शुरू होकर 14,50,000 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में मार्च के महीने में पूरे भारत में चौथे पायदान पर आई है होंडा की सीआरवी। मार्च के महीने में इसकी केवल 14 यूनिट्स ही बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में इसकी 25 यूनिट्स बिकी थी। वैसे भी जिस प्राइस पॉइंट पर और सेगमेंट में ये गाड़ी आती है उन गाड़ियों का सेल्स फिगर उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इतना बुरा भी नहीं होता। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 28,38,000 रुपये से शुरू होकर 32,88,000 रुपए तक मिल जाती है। नेक्स्ट इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आने वाली गाड़ी है जिसे यहाँ देखकर मुझे बड़ा सदमा सा लगा है। ये गाड़ी है महिंद्रा की XUV 500। मार्च के महीने में इसकी केवल 9 यूनिट्स यानी कि 9 यूनिट्स ही बिके हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 12,84,000 रुपये से शुरू होकर 18,56,000 रुपए तक मिल जाती है। अगली गाड़ी जो कि इस लिस्ट में पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आई है वो है फोक्सवैगन की टिगुआन। मार्च के महीने में इस गाड़ी की केवल 4 यूनिट्स ही बिक पाई हैं, जबकि फरवरी के महीने में इस गाड़ी की कुल मिलाकर 27 यूनिट्स बिकी थी। ये गाड़ी तब भी दूसरे पायदान पर थी और अनफॉर्चुनेटली इस महीने भी ये उसी पायदान पर खड़ी है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 28,14,000 रुपए से शुरू होकर 31,54,000 रुपए तक मिल जाती है। फाइनली अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट में पूरे भारत में नंबर वन के पायदान पे आकर अपना नाम रोशन करने वाली फोक्सवैगन की एमियो के बारे में। मार्च के महीने में पूरे भारत में एमियो की केवल 3 यूनिट्स ही बिकी हैं, जबकि फरवरी के महीने में इसकी कुल मिलाकर 36 यूनिट्स बिकी थी। 36 यूनिट्स बेचकर ये गाड़ी तीसरे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 2 पोजीशन खिसक कर ये नंबर वन पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,95,000 रुपये से शुरू होकर 10 लाख रुपये तक मिल जाती है। मैंने पिछले महीने भी इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उसे और आज के इस वीडियो को कंपेयर कीजिएगा और जानिएगा कि कौन सी गाड़ियाँ इस लिस्ट में शामिल हुई हैं और कौन सी गाड़ियाँ इस लिस्ट से निकल गई हैं। तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियाँ जो मार्च के महीने में टॉप 10 लिस्ट यानी कि सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।